नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नगर क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से बनाए विजयी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा विजयी होगा गोरखपुर से प्रवीण निषाद, लेकिन 2019 के कांग्रेस के साथ गठबंधन पर फिलहाल असमंजस की स्थिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी है भाजपा सरकार, सभी योजनाओं का मिलेगा लाभ। मिलावटखोरों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, खोआ मंडी में की गई छापेमारी, कई दुकानदार हुए फरार। पीठासीन अधिकारियों को लोकसभा के उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग की दी गई जानकारी। दो अलग अलग मामलों में राजघाट पुलिस के हत्थे चढ़े दो अभियुक्त, एक था लूट में शामिल, दूसरे के पास से मिला स्मैक। विजय चौराहा स्थित मिठाई की दुकान में लगी आग, लाखों के सामान जलकर हुए खाक। 4 और 5 मार्च को होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, विभागाध्यक्ष ने दी जानकारी। उपनिर्वाचन के मद्देनजर 27 से कार्मिकों को ड्यूटी होगा वितरित। पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट बिक्री और आय में बढ़ोतरी के लिए लगातार टिकट जांच अभियान है जारी। रवि पांडे संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन में सहायक व्यय प्रेक्षक का नोडल अधिकारी नियुक्त। और खेल छात्रावास ट्रायल के लिए मंडल की लड़कियों ने भी दिखाया दम। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के नगर क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर क्लब में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में नगर क्षेत्र के सभी मंडलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के सह संगठन मंत्री शिव प्रताप, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सांसद कमलेश पासवान, विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व एमएलसी विनोद पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भारतीय जनता पार्टी भारत माता की। मित्रों, हम लोग के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हम लोग के बीच में आ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। मानस करिए तालियों बजा करके। सैनिक रूप ने 12,000 करोड़ की निवेश की घोषणा की हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में 2,300 करोड़, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में 550 करोड़, दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ वह उत्तर प्रदेश में हुआ। कुल मिलाकर के 4,28,00,000 करोड़ रुपए का प्रदेश के लिए दिया। पिछले 15 सालों से मैं विधानसभा में हूँ, 15 सालों के अंदर कुल मिलाकर के 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, प्रदेश के लिए दिया। पिछले 15 सालों से मैं विधानसभा में हूँ, 15 सालों के अंदर कुल मिलाकर के 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। वसनीता स्थापित की 4,28,000 करोड़ का निवेश हो चुका,
और जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा, 4 लाख करोड़ के निवेश, अभी भी निवेशक तैयार खड़े हैं, अपने प्रोजेक्ट लेकर तैयार खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करेगी। हम सब के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। हम राहुल श्रीवास्तव जी का जितनी मेहनत के साथ हम लोगों ने मिलकर के जमीनी धरातल पर माननीय अमित शाह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप लोग जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। भारत बंदगी, भारत बंदगी, भारत बंदगी। आज हम सब लोग माननीय शिवप्रकाश जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से जीत का मंत्र लेने के लिए आए हैं। वैसे भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की रही है और आज संगठन ने निर्णय लिया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इस नाते ये सीट खाली हुई है और एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया गया जिस कार्यकर्ता ने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए दिया। विभिन्न पदों पर रहते हुए आज वह इस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने जाता है और जहां मुख्यमंत्री भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग को लेने। मीटिंग उनकी लेते हैं, मिलते हैं, उनके साथ भोजन जलपान करते हैं तो कार्यकर्ता बस्ती में झूम उठता है। और पहले भी यह काम सांसद के रूप में करते रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप लोगों के बीच में आकर करके वही कार्य करने जा रहे हैं जो कभी काशी में इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। आज यह भी अभी पिपराई से लौटे हैं, आज गोरखपुर के इस कार्यकर्ता बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग में है, कल 3 विधानसभाओं की और मीटिंग में रहेंगे। यह बताता है कि हमारा नेता भी कार्यकर्ता होता है, हमारा कार्यकर्ता भी इसी नाते नेता बनने की पंक्ति में रहता है। यहां नेता और कार्यकर्ता दोनों मिल करके काम करते हैं। इस नाते जब किसी भी कार्यकर्ता को नेता बनने का मौका मिलता है, उसको टिकट मिलता है, तो कार्यकर्ता वैसे ही झूम जाता है जैसे उस दिन उपेंद्र दत्त शुक्ल के नामांकन के दिन कार्यकर्ता झूम उठा था और गोरखपुर की जनता उसी दिन विजय का हुंकार भर दी थी कि इस सीट से उपेंद्र दत्त शुक्ला चुनाव जीतेगा। हम सभी लोग कल 2 सेक्टरों की बैठक में भी गया था, हमारे महानगर के अध्यक्ष ने कहा जा आप जरा चल जाइए, मैं गया था। मैंने उन लोगों को बताया कि आप उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को कैसे बताइए, आज केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कैसे बताइए। मित्रों, आज हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के लायन डाल्डर की चर्चा हो रही है। लाइन ऑर्डर के मामले में प्रदेश के कुछ चंद प्रदेशों में अपना नाम बढ़ा करके चल रहा है। इस नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना सांसद के रूप में करते थे, शायद उससे भी अधिक इस समय कर रहे हैं। कभी रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और किसी दूसरे की सरकार की, जब केंद्र में बजट आता है हमको ये कहा जाता है कि ये कारपोरेट की सरकार है, विपक्ष के लोग बार बार लगाते हैं कि भारतीय
जनता पार्टी की सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, और जब बजट आता है, हम लोग जब बजट रखते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं 10% का। तो सामने बैठे हुए विपक्ष के लोग, अरुण जेटली बजट पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, हम भी उनके राज्य मंत्री वाले पीछे बैठे हुए थे, कमेंट करते हैं कि कैपिटल गेन लगा रहे हो तो मार्केट को कैसे थामोगे। शायद उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि जिसके नाते पूरे के पूरे यूरोप, चीन, सभी के सभी लोग हिंदुस्तान में आकर के अपना व्यापार करना चाहते हैं, हम 37,000 पर अगर मार्केट को खड़ा कर सकते हैं तो 2,000-3,000 के अंक में अगर मार्केट गिर जाएगा तो भी भारतीय जनता पार्टी को उसको संभालने में जरा भी समय नहीं लगेगा। और दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि 37,000 की मार्केट कैपिटल गेन लगाने के बावजूद भी आज लगभग 35,000 के जो है सेंसेक्स चल रहा है, हम अपने मार्केट को थामने में नहीं सक्षम थे। लेकिन हम लोगों ने उनको जवाब दिया कि हमें आप कहते थे कि आप कॉर्पोरेट की सरकार हो, कॉर्पोरेट के पक्षधर तो आप हो, हम तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 60 से जमी पड़ी हुई थी आप नहीं लागू कर रहे थे उसको लागू करके कहे कि आप किसान को उसके लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने का काम करेंगे। हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, और 36,000 रुपए देकर के जिनका इंश्योरेंस देते थे चिकित्सा के लिए, भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को तय कर किया कि हम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो कभी सोचते भी नहीं थे कि हम कैसे इतना पैसा खर्च करेंगे, कैसे अपनी चिकित्सा करा पाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर 5,00,000 रुपए खर्च करके भी किसी की जान बचाने की जरूरत तो पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जान बचाने के लिए एक व्यक्ति पर 5,00,000 रुपए भी खर्च करके उसके जान बचाने के का काम करेगी, केवल सिविल हॉस्पिटल में नहीं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी। हम लोग एक भी नया पैसा टैक्स इस भारत सरकार को नहीं देते थे, हमने साहस था कि वो उनको रास्ता दिखाया कि अगर चपरासी टैक्स दे सकता है तो चाहे जो भी रहो किसान खड़ा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रहेगी। चुनाव को एक अलग प्रकार से देखना चाहिए। आप सबको ध्यान में मैं 4 प्रसंग आपके बीच में रखता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे और वो अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन वो मालूम है कि नहीं है, जोर से बोलिए, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो दूसरा प्रसंग आया कि उनको वीजा प्राप्त हो गया, मोदी जी वही है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए गोधरा की घटनाओं के कारण से उनको वीजा नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए तो वीजा प्राप्त हो गया। तीसरी बात, केवल वीजा ही प्राप्त नहीं हुआ, जब वो वहां गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति सहित सब लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया और दुनिया में मोदी मोदी हो गया। ये तीसरा घटनाक्रम जिन्होंने देश के गरीब लोगों का पैसा लूटा, जाने जनता पार्टी को हराने का प्रयास नहीं करेंगे, करेंगे। उनके आशीर्वाद से मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिसने कभी महाराज जी से चर्चा भी नहीं किया था, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, नेतृत्व का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और आज मैं उम्मीदवार बन के आपके बीच खड़ा हूं। मैं आप सबके तरफ से गोरखपुर नगर विधानसभा के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के तरफ से, यहाँ की जनता जनार्दन के तरफ से प्रभुज महाराज जी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, कदम मुबारक हमारे घर पर नसीब अपना जगाया हमने।
गर्व है गोरखपुर को, पूर्वांचल को, संपूर्ण हिंदू समाज को, ऐसा नेता हमें मिला है। और विकास जो उन्होंने किया वही तो हमारी पूंजी है। इसलिए आज मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मेरे मीडिया के मित्रों ने उस दिन भी सवाल किया था कि योगी जी के बाद आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने जो बागी विकास का बागीचा लगाया है उसे मैं एक माली बन करके सींचने का काम करूंगा। और जब हमारा नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो मुझे किस बात की चिंता। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, शीतल पांडे, इन सारे लोगों के पीछे खड़ा होके जो आप बताएंगे मैं झोली फैला के महाराज जी से मांगता रहूंगा, गोरखपुर का और विकास होता रहेगा। पुनः एक बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत और अभिनंदन करते माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय शिव प्रताप जी सहित सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे फिर एक निवेदन, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेके आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और इस चुनाव को स्वयं उपेंद्र शुक्ला बन करके लड़ने का कार्य करिए। आप सबके श्री चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत स्तरीय कार्यकर्ताओं के आज के सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, प्रदेश गोरखपुर में उपेंद्र दत्त शुक्ल जी को भारतीय जनता पार्टी के सबसे कर्मठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आप सबके बीच भेजा है। मैं सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि चुनाव के दौरान एक कम समय में किसी प्रत्याशी से उम्मीद करना कि घर घर जाकर के या प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर पाएगा, यह अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि एक कार्यकर्ता को लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर के पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, इसलिए हर कार्यकर्ता अपने आप में उपेंद्र दत्त शुक्ल बनकर के अपने अपने बूथों के संयोजन में लगे। मुझे चुनाव जिता करके भेजा और जिस तन्मयता के साथ एक एक कार्यकर्ता महानगर का एक एक नागरिक बनता था, चुनाव के दौरान मुझे समय देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। बूथ स्तर पर या मोहल्ले स्तर पर या वार्ड स्तर पर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। अलग अलग समूह अपना वोट मांगने के लिए निकलते थे, वोट अपना संभालते थे, बैग कहाँ कौन लेके जा रहा है, बूथ कौन संभाल रहा है, सब कार्यकर्ता अपना संयोजन स्वयं करते थे। लेकिन जब पार्टी ने मुझे प्रदेश के अंदर दायित्व दिया तो किसी कार्यकर्ता को ये दायित्व
अपने जगह पर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना था और वरिष्ठतम कार्यकर्ता होने के नाते शिवेंद्र दत्त शुक्ल जी का नाम मैंने प्रस्तावित किया, पार्टी ने उन्हें यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूँ कि आपने पिछले पौने चार साढ़े तीन और पौने चार वर्ष के दौरान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार की कार्य प्रणाली को देखा है और भारत सरकार की ही अनुसरण करते हुए 11 महीनों से प्रदेश के अंदर हम लोग सरकार का संचालन कर रहे हैं। गोरखपुर में मुझे लगता है विकास की पीड़ा गोरखपुर के वासियों से ज्यादा कोई नहीं झेला होगा। जब मई और जून में आप मेरे साथ सड़कों पर बिजली की मांग को लेकर के निकलते थे, लेकिन आज मैं मानता हूं कि बिजली का संकट नहीं होगा गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर में पहले बिजली मिलती थी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बहुत कृपा करके प्रदेश सरकार ने तो 5 घंटे दे देती थी, 24 घंटे में 5 घंटे बिजली मिलती थी और आज गोरखपुर में 24 घंटे में से 24 घंटे बिजली मिलती ही होगी। ये परिवर्तन है, लेकिन हम लोगों ने यह केवल गोरखपुर को नहीं दिया है। एक सांसद आप चुनते थे मुझे और मुझे लगातार चुनते थे, सम विषम परिस्थितियों में चुनते थे, एक एक व्यक्ति स्वयं लग करके कार्य करता था, बूथ संभालता था। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि बूथ में कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, क्योंकि मुझे तो अगल बगल के क्षेत्रों में भी प्रचार करने के लिए जाना होता था। हर कार्यकर्ता लग करके काम करता था, लेकिन जब ये दायित्व तो मेरे ऊपर आया कि मैं प्रदेश के अंदर विकास के कार्य को कर सकूं, तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक समान बिजली का वितरण पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जिलों को समान रूप से किया। हमने कहा गोरखपुर को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रदेश का प्रत्येक जनपद विकास से पीछे नहीं रहेगा। और आज आपको लगता होगा जब गोरखपुर में आप देखते होंगे सफाई की व्यवस्था, जब आप देखते होंगे गोरखपुर चारों ओर से 4 लेन की सड़कों से जुड़ रहा है, गोरखपुर को आने वाली सभी सड़कों पर लाइटिंग होती है, गोरखपुर को लखनऊ, गोरखपुर को वाराणसी, गोरखपुर को सुमौली, गोरखपुर को महाराजगंज, गोरखपुर को कुशीनगर, गोरखपुर को देवरिया जोड़ने वाले जब सभी मार्ग 4 लेन की सड़कों से जुड़ते हैं, तो ये जो 4 लेन की सड़कें विकास की प्रतीक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को आगे बढ़ाने का हिस्सा है और उसी हिस्से को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। और केवल यहां पर हो रहा है ऐसा नहीं, प्रदेश के अंदर विकास के बहुत बड़े अभियान को लेकर के हम लोग चले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, लखनऊ से गाजीपुर, वाराणसी से बलिया को जोड़ते हुए 1 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और उसको हम लोग बेलघाट से लेकर के सिकरीगंज खजनी होते हुए जैतपुर तक ईरा तक लेकर के आएंगे, दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाएंगे, गोरखपुर के नौजवानों को गोरखपुर में नौकरी भी उपलब्ध करवाएंगे, रोजगार भी उपलब्ध होगा। गोरखपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्टिलाइजर का शिलान्यास किया, 26 वर्षों से कांग्रेस ने बंद कराया था, हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। एम्स गोरखपुर को पिछली सरकार नहीं आने देना चाहती थी, लटकाए रखी, हम लोगों ने एम्स की सभी बाधाओं को दूर किया और दूर करने के साथ साथ 200 करोड़ रुपए का जो टैक्स था उसको माफ करते हुए आज एम्स का कार्य गोरखपुर के कूड़ा घाट के पास प्रारंभ हो गया। गोरखपुर में प्रेक्षा करें, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने 1987 में प्रारंभ किया था, कभी पूरा नहीं हो पाया, आज गोरखपुर में नया प्रेक्षा करें बन रहा है। गोरखपुर में इस साल के अंत तक हम लोग चिड़ियाघर का संचालन कर सकेंगे, हर प्रकार के जीव जंतुओं को आप देख पाएंगे। गोरखपुर में रामगढ़ ताल एक ऐतिहासिक झील है, लेकिन रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वाटर स्पोर्ट्स के रूप में एक बेहतर केंद्र वह बने उत्तर भारत का, इसके लिए कार्य वहां पर प्रारंभ हो चुका है। ये योजनाएं इसलिए जिससे विकास के माध्यम से हम आम
नागरिक के चेहरे पर खुशहाली ना सके। चीनी मिल जो पूर्व उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार था बंद हो रही थी, हम लोगों ने पिपराइच में भी चीनी मिल दी है और बस्ती के मुंडेरवा में भी एक चीनी मिल हम लोग दे रहे हैं। प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत में रमाला में भी हमने दिया है, मेरठ के मोदीपुर में भी दिया है, आजमगढ़ में भी हम लोगों ने चीनी मिल के विस्तारीकरण डिस्टलिंग वहां पर डिस्टलरी आदि लगाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हर जनपद मुख्यालय को फोर लेन से जोड़ने की कार्रवाई, और आज आप देखे होंगे जब इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो दो डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत हुए, वे दो डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है और अप्रत्यक्ष रूप से 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, वह भी उत्तर प्रदेश को दिया है। उत्तर प्रदेश में उसकी स्थापना हो रही है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा इससे बन रही है। यानी विकास किस रूप में आगे बढ़ता है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो, स्टैंडअप हो, स्टार्टअप हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ये इतनी योजनाएं केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो और अभी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो प्रारंभ होने वाली है, 50 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को सीधे सीधे 5,00,000 की वार्षिक बीमा की योजना भारत सरकार चलाने जा रही है। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और उसके उपचार में 5,00,000 तक का खर्च आना है तो उस व्यक्ति को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में केवल भर्ती कर देना है, निःशुल्क 5,00,000 तक की स्वास्थ्य सुविधा उस परिवार को उपलब्ध होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से योजना को चला रहे हैं। पहली बार किसानों को उनकी उपज का दाम मिल रहा है और निवेश और रोजगार के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था होती है सुरक्षा। सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने आज सबके सामने प्रस्तुत किया है। हम लोग किसी को छेड़ेंगे नहीं, सम्मान सबका करेंगे, हर एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने की स्वतंत्रता किसी को नहीं देंगे। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी किया जाएगा। और उस दृष्टि एक अभियान जो प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि के इस मंत्र को कार्य रूप प्रदान करने के लिए, और उसी दिशा में आज के उपचुनाव भी हम सबके सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर दो उपचुनाव हो रहे हैं, गोरखपुर में भी और फूलपुर में भी, और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि विकास की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर बढ़ाया है यही प्रत्येक चेहरे पे खुशहाली ला सकती है, प्रत्येक के भविष्य को उज्जवल बना सकती है, आपके वर्तमान को भी खुशहाल करेगी, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बनाएगी। और उस दृष्टि से आज मैं आपके बीच में विशेष रूप से आया हूँ। गोरखपुर का विकास कराना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज भी है, क्योंकि 5 बार से आप लोगों ने मुझे जमा जिता करके भेजा है, तो स्वाभाविक रूप से उस कर्म को तो किसी न किसी वहां उतारना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव जीत करके जाए और फिर महत्वपूर्ण भूमिका विकास के साथ जुड़ करके कर सके, इस दृष्टि से श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल का नाम आपने किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा सम विषम दोनों परिस्थितियों में, मान मिला हो, सम्मान मिला हो, अपमान मिला हो, तो भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जहां जिम्मेदारी दे देगी वहां दे करके अंतिम दब तदब डटे रहकर उस कार्य का निर्वहन करना, ये उपेंद्र दत्त शुक्ल की पहचान है। मैंने देखा आज से नहीं, 1994 से मैं उन्हें देख रहा हूं, हर स्तर पर लड़ करके जहां लगा दो, जिन स्थितियों में लगा दो, जहां भिड़ा दो, वहां पर सब महानगर, यहां पर इसी महानगर में महामंत्री के रूप में, जिले के अध्यक्ष के रूप में, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में, लगातार जो भी जिम्मेदारी दी गई है पूरी ईमानदारी के साथ डट करके जहां दायित्व तो दिया गया उसका निर्वहन उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ किया। और इसलिए भाइयों बहनों आज हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम ऐसे कार्यकर्ता को सम्मानित करके उन्हें चुनाव जिता करके भेज करके एक मैसेज दें कि विचारधारा के साथ साथ
संगठन के साथ मजबूती के साथ जुड़े रह करके जो भी कार्यकर्ता कार्य करेगा उसका सम्मान होगा, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। और फिर जो विचारधारा की चिंता करेगा, विचारधारा और संगठन उसकी भी चिंता करेगा, इस बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं मानता हूं उपेंद्र जी के लिए ये सब गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में मेरे साथ वो बहुत चले हैं, आज से नहीं 1996 से लगातार चल रहे हैं, 1996 के पहले से भी, लेकिन 96 से चूंकि महाराज जी के चुनाव के दौरान मुझे भी निकलना पड़ा था तो उस दौरान भी वो साथ में थे, उससे पहले भी विभिन्न आंदोलनों में साथ रहते थे और लगातार उस अभियान के साथ जुड़े हैं। कोई कार्यकर्ता अपरिचित नहीं, क्योंकि जब टिकट घोषित होने के पहले मैंने उनसे चर्चा की और उसके बाद भी चर्चा की कि कौन लोग कहां कहां पर कार्य कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का नाम उनके मुंह पर था, क्योंकि मैं तो टेलीफोन से पूछ रहा था, लेकिन फलानी जगह फलाने 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 कार्यकर्ता को लगा गया, फलाना जगह की टीमें बना दी गई, वहां पर ये लोग लगे इस ढंग से, यानी एक एक व्यक्ति की चिंता। चुनाव के दौरान भी मैं देखता था, बहुत बार मैं उनको दहेज को देता था कि उपेंद्र जी आप गोरखपुर ग्रामीण को संभाल लीजिए, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को कि आप महानगर को संभाल लीजिए, किसी और कार्यकर्ता को होगा पिपराइज संभाल लीजिए, क्योंकि मुझे दूसरे क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है। और मैं इतना विश्वास के साथ, मुझे लगता है मैं पहला प्रत्याशी था जो पूरे प्रदेश के अंदर इतने विश्वास के साथ चुनाव लड़ता था कि मैं क्षेत्र में ना भी रहूंगा, गोरखपुर की जनता अपने आप चुनाव को ठीक कर देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वही विश्वास व्यक्त करने के लिए एक बार पुनः मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि इसी मजबूती के साथ, उसी विश्वास के साथ, जैसे विकास के लिए आज आपको मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं देखा हूं, गलियों में घूमा हूं, चुनाव के दौरान भले ही नहीं घूमता था लेकिन चुनाव के बाद जब सांसद बन जाता था तो चुनाव के बाद फिर मैं जन समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरने के लिए आपको साथ लेकर के घूमता था, लड़ता था, काम करता था। तो मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में भी है कि कहां कहां पर विकास की कमी रह गई है, उन कमियों को पूरा करना, और इसीलिए प्रयास किया है हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह विकास की योजनाओं को एक गति देने की हो, चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को एक पहचान दिलाने का हो, और या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कितना बड़ा निवेश एक साथ हो सकता है, लोग सोचते भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भी निवेश होगा, लोग बोलते थे अरे कैसे होगा, वहां तो अराजकता है, हर सप्ताह दो दंगे होते हैं। जब हम लोग एक पहले रोड शो में गए मुंबई में, मेरे साथ बैठक हो रही थी, लोग देख रहे थे कि प्रदेश के अंदर 9 महीने में एक भी दंगा नहीं, लोग कहते थे क्या ये सच है, मैंने कहा आप जाकर के देखे ना, दंगा कोई कर कैसे सकता है, उसको मालूम नहीं कि दंगा करेगा तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, लेकिन किसी को हम लोग अराजकता फैलाने की छूट नहीं दे सकते, और वह कार्य आज हुआ है। और मैं फिर कह सकता हूं हमारी सरकार प्रदेश के अंदर विकास में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी। आपने देखा होगा बजट में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रावधान हमारी सरकार ने किया, पहली बार अनुसूचित जाति के नौजवानों की छात्रवृत्ति 100% डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जा रही है, पिछली सरकार ने कई और डाइवर्ट कर दी थी। जनजाति के लोगों को, बंडालिया के लोगों को, मुसल जाति के लोगों के लिए अलग से हम लोग प्लान लेकर के आए हैं। केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं चलाई है, उज्ज्वला योजना में एक गरीब एक दलित के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सकता है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने पर सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति अपनी पिछड़ी जाति के ही लोगों को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात के लिए अपनी हामी भरी है कि भारत सरकार जितना पैसा लगाएगी उत्तर प्रदेश सरकार उतना पैसा देने को तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। और इसलिए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट में हर उद्योगपति लालायित था, हम भी उद्योग लगाएंगे, हम भी पैसा लगाएंगे,
और आज अगर मैं एवरेज देखूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पक्ष में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें निजी निवेशक लगाना चाहता है 38,000 करोड़ की एक बड़ी पूंजी होती है। हमारा गोरखपुर का जो फर्टिलाइजर कारखाना लगने जा रहा है यह लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से लगने जा रहा है। 38,000 करोड़ रुपए अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग 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 जनपदों में लगेगा तो कितने फर्टिलाइजर कारखाने लग जाएंगे, और पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को हम देखेंगे, जनपद वाइज देखेंगे, हर जनपद को लगभग 8,000 करोड़ रुपए कम से कम निवेश के रूप में, वहां पर उद्योग के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वहां की अन्य बुनियादी सुविधाओं के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। एक बड़ी कार्य योजना के साथ विकास के लिए समर्पित, हर नागरिक को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध, हर खेत को पानी और हर नौजवान को रोजगार और रोटी के साथ जोड़ने के जिस अभियान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कार्य कर रही है, उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके बीच आए हैं। प्रदेश सरकार उसी अभियान को लेकर के चल रही है। आप सबसे अपील है, आप सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर को संभालने के लिए पूरी जवाबदेही के साथ उपेंद्र दत्त शुक्ला बनकर के हर एक परिवार के साथ, जैसे मेरे चुनाव में आप लोग निकलते थे, अलग अलग टोलियां निकलती थी, इंतजार मत करना, मेरे चुनाव में कोई कार्यकर्ता इंतजार नहीं करता था कि कोई जलपान खिलाएगा, कोई भोजन खिलाएगा, हर व्यक्ति अपने घर से आता था, खा करके आता था, घर में भोजन पाने के लिए चला जाता था। और मैं अपील करूंगा उसी उदाहरण को प्रस्तुत करके एक बार पुनः उपेंद्र दत्त शुक्ला बन करके घर घर जाकर के वोट मांगिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए, सुरक्षा के लिए और राष्ट्रवाद के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। और इस अपील के साथ मैं आप सबसे कहूंगा कि चुनाव के दौरान महानगर में 2-4 सभाएं जो भी संगठन तय करेगा हम लोग आएंगे, लेकिन बूथ संभालने, बूथ प्रबंधन को अभी से दुरुस्त रखने और बूथ की टीम अपने मोहल्ले और अपने बूथ स्तर पर प्रत्येक परिवार से संवाद बनाने की कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर पाएगी, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति विश्वास करते हुए कि जो विश्वास आपने इससे पहले मुझ पर व्यक्त किया है उपेंद्र दत्त शुक्ला जी के प्रति, वही विश्वास दोहराते हुए आप सब ने भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजेंगे, आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर से सपा के उम्मीदवार प्रवीण निषाद की सुनिश्चित जीत का आश्वासन देते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि सपा काफी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरी है और उसकी जीत निश्चित है। एक सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2019 का कांग्रेस सपा गठबंधन इस उपचुनाव पर निर्भर है, जैसा नतीजा आएगा आगे की फिर रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा में आए हैं और यहाँ जनता से हमारी अपील है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर प्रवीण निषाद को अपना मत समर्थन आशीर्वाद प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, यहाँ बेरोजगारों को किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। इसलिए हमारी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा घोषित जो उम्मीदवार प्रवीण निषाद हैं उसको अपना मत समर्थन आशीर्वाद प्रदान करें। अभी तारा है अध्यक्ष जी, ये बताइए त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है गोरखपुर में भी और फूलपुर में भी, कांग्रेस से अलग होके आप लोग कर रहे हैं, क्या ये 19 में भी यही होगा? गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे माना जाए छूट गया, अपना चुनाव लड़ेगी, समाजवादी अपना पार्टी चुनाव लड़ेगी और गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। क्या 19 के लिए कुछ नहीं कहेंगे, गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? पहले उपचुनाव हो जाए और इस उपचुनाव में आप देखिए जनता देती है हम सबको समर्थन, अपना आशीर्वाद सहयोग देंगी, इसके बाद हम अपनी पार्टी का जो 19 का मामला है वो। कार्यकर्ताओं से संबोधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है और उसमें सफल भी हुई है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा,
देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव को भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। 2019 में भी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारत में भारत की अपना सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी विकास और प्रशासन के जिन मुद्दों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर शासन चला रही है, आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाएं पहली बार गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, समाज के उन तबकों को जो विकास से पूरी तरह वंचित थे, उन लोगों को भी विकास की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। चाहे वह इस देश के अंदर गरीब कल्याणकारी 115 से अधिक हुई योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट है, स्टैंडअप है, स्टार्टअप है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर इस बजट में प्रावधान किए गए महत्वपूर्ण घोषणाएं जिनमें किसान को उनकी आम किसान को उनकी लागत का 1.5 गुना दाम देने का हो, या फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का, ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। और उसी तरह होली पर्व पर मिलावटखोरों पर लगाम कसते हुए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने खोआ मंडी में छापेमारी की और वहां से बिकने वाले खोए का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया। छापेमारी के दौरान दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। इस दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट अमरेंद्र वर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी मौजूद रहे। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट अमरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया, आधा किलो दे।
काम करिए तैयारी में है अपना टेक्चर भी क्या बात है क्या तमाशा है सर हम लोग पूरी तैयारी करें सर आप जो भी रखते हो जी जी हाँ अभी कोई ले रखा है हम लोग खुद सर रखते हैं ये हम लोग रखते हैं और जांच करके ही पूरी तैयारी की जी जी सर पूरी तैयारी स्टार्स के अलावा और सर जो है हाँ वो सर माइक्रो टेस्टिंग वही सबका सैंपलिंग सर सैंपलिंग थोड़ा कम हो तो हम लोग का जो आता है सैंपलिंग दो दिन हो जाता है कई बार हो जाता है हम लोग पूरी तत्परता से इस बात कम कर रहे हैं 400 देखते हुए यहाँ के खाद्य पदार्थों में मिलावट मुख्य रूप से खोए से की जाने वाली शिकायतों के मद्देनज़र आज खोया मंडी में और उसके अगल बगल की दुकानों पर छापा मार करके सैंपलिंग किया गया। अभी सरसरी तौर पे कोई इस तरह की शिकायत या केमिकल मिलावट की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जांच के लिए सैंपलिंग करके नमूना लैब में भेजा जा रहा है और उस नमूने पर जो टेस्ट सामने आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की मिलावट वाली कोई शिकायतें सामने। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट से जोड़ने उसमें पर्ची लगाने सहित अन्य जानकारी दी गई। ट्रेनिंग ले रहे कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनरों ने ईवीएम और वीवीपैट की बारीकियों की जानकारी दी जिसमें मतदान के दौरान कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इस दौरान परियोजना निदेशक सहित अन्य अधिकारी और मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। ये लग जाएगा आपका वीवीपैट को हम सीयू में कनेक्ट कर दिए सर्वप्रथम, उसके बाद इधर है, वन है, इधर टू है, दो इधर क्या है, ब्लू है,
लिखा भी है ऐसे बी एन यू इंटरफेस, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे ग्रीन को ग्रीन की तरह और ब्लू को ब्लू की तरह, ये कनेक्ट हो जाएगा इसके बाद हम इसको कंट्रोल यूनिट के पास रखेंगे, ये झांसी नगर कार्य के पास रहेगा। जो वीवीपैड और बैलेट यूनिट है इसको हम मतदाता यहाँ मतदान रहेगा पोस्ट रहेगा उसमें वो अपना ये दोनों वही रहेंगे, उनको देखने में आसानी रहेगी। इसको देखिए बैलेट यूनिट का जो ये वायर है कनेक्टर है इसको इस पे ऊपर लिखा है बी यू कनेक्टर, ठीक है। तो इसमें उसी को ब्लैक और रेड दिया है, बस इसमें कुछ किसी प्रकार की दिक्कत किसी को राजघाट पुलिस को दो अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पहला मामला गीडा के एक व्यापारी से लूट की घटना का अंजाम देने वाले ऋषिकेश यादव का है जो कि बेलीपार थाना अंतर्गत रहने वाला है। इसके पास से 45,000 नगद, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। वहीं दूसरी घटना के अंतर्गत राजघाट पुलिस ने NDPS एक्ट के अंतर्गत फहीम नामक व्यक्ति को 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश
चलिए लेते हैं कि छोटा सा अल्प विराम, जल्द लौटते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर की तरफ। विजय चौराहा स्थित अन्नपूर्णा मिष्ठान की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोमवार को लगभग 12:45 पर दुकान का कर्मचारी टिकिया बना रहा था, उसी समय उससे सिलेंडर की पाइप दब गई और सिलेंडर से आग निकलने लगी। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा का पूरा दुकान जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पा सकी। मौके पर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी सत्येंद्र मौजूद रहे और स्थिति को काबू करने का पूरा प्रयास किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकान के प्रोप्राइटर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। उन्होंने बताया, हे हे,
सकते हो। तबीयत खराब है, वायरल हुआ समझ भी लेने चाहिए क्या हो रहा है। क्या हुआ था लड़के जगह जल आता टिकिया वाले काउंटर पे, उसी के कहना पैर से पाइप पे लग गया, इसीलिए कहना है टिकिया वाले काउंटर के पास वहीं पे उसके पैर से लगा और क्या ना उसका पाइप जो है निकल गया वहाँ से, इसलिए आग लगा। कितना नुकसान लगा? नुकसान तो आप देखिए रहे हैं, सब चीज़ सारा नुकसान हो गया, कोई बचा थोड़ी ना आप, जब कोई बचा तो सब बता दे किसी का नुकसान हुआ, सब चीज़ नीचे ही बनता है और सब चीज़ यही होना होता है, तो किसी की पाँच सात लाख रुपये ऊपर तक तीन मंजिला तक आग पहुंचा था? नहीं, दो मंजिले तक आग पहुंचा, तीसरे मंजिले पे नहीं गया, नीचे रहना हमें नीचे। उससे पहले हमारे पुलिस वाले जो है मदद किया, हमारा बहुत साथ दिया जो है। क्या नाम है आपका? नहीं, कैजुअल्टी नहीं हुई, सबको निकाल दिया गया, पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार गुप्ता। कितने बजे घटना और क्या हुआ? 1:30 बजे की बात है, मैं ऊपर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कस्टमर और छोटा भाई हमारे दौड़ते हुए ऊपर आए और ये कह रहे हैं कि नीचे जो है पाइप पे आग लग गई है। हमें नॉर्मली हमको लगा कि हमेशा ऐसा होता तो नहीं है, आए देखने के लिए देख रहे हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा आग लग गई, तो अपने सारे स्टाफ और कस्टमर को दूसरे के रास्ते से जो है नीचे लेकर के आए, आ करके यहाँ जब तक उतना ही देर में मैं आ करके नीचे देख रहा हूँ तो यहाँ पर आग पूरी तरीके से जो है पड़ा हुआ है। किस तरह लगा है आग लगने के कारण क्या? मेरा स्टाफ था काउंटर के पास, उसके पैर से पाइप लगी है और पाइप अपने आप निकल गई, और जैसे ही निकली तो उसमें उसका प्रेशर इतना ज़्यादा रहा था आग का, इसी वजह उसे रोक पाना मुश्किल था। बहुत कोशिश करने के बाद ही हमारे पास फायर का वो जो रखा हुआ था आग बुझाने वाला, उससे भी कोशिश की लेकिन बुझा नहीं। 100 नंबर पर हमने कॉल किया तत्काल, लेकिन इतना व्यस्त था कि कॉल ही नहीं लगा। फायर ब्रिगेड को हमने कॉल किया तो फायर ब्रिगेड वाले थोड़ा लेट किए लेकिन आए हैं हम जाकर के। कितने का नुकसान का अनुमान है? तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का, जो भी हमारा कैश अंदर पड़ा हुआ तो सारा कैश जल चुका है, सारे फर्नीचर सब कुछ जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा नीचे। सीलिंग भी जल जल चुका है, सिलेंडर था, उसे बिजली सर्किट पकड़ ली। नाम क्या आपका? अभिषेक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के सौजन्य से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आगामी 4 से 5 मार्च को किया जाएगा। इस बात की जानकारी गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस के दीक्षित ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए कहा, गोरखपुर के भूगोल विभाग में दिनांक 4-5 मार्च 2018 को भारत का भौगोलिक व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। इस दिवस के उपलक्ष्य में यह संगोष्ठी विशेष रूप से आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि हमारे जो छात्रगण हैं और सामान्य जनता है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जाए और ये संकल्प लिया जाए कि हम लोग प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम जो है आयोजित करेंगे। और 4 मार्च अभी सब लोग जानते नहीं है कि नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, इसको और पॉपुलर करने की आवश्यकता है और इसी के साथ भारत के भौगोलिक व्यक्तित्व पर भी चर्चा की जाएगी कि भारत की सीमाएं कितनी लंबी हैं, किन किन जो है राज्यों के साथ लगती हैं, क्या वहाँ पर समस्याएँ हैं और उनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है, और हमारे आंतरिक परिक्षेत्रों में जो छोटे क्षेत्रों में नक्सलवाद और आतंकवाद की घटनाएँ और अलगाववाद की बातें हो रही हैं उनके प्रमुख कारण क्या हैं और उनको किस प्रकार से टैकल किया जाए, क्योंकि बाह्य सीमा पर जो खतरे हैं वो तो विद्यमान हैं ही और कुछ हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, जैसे उत्तर में चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो सब चीज़ें तो इतनी ऊँचाई पर करीब 13,000 फीट की ऊँचाई पर जो बॉर्डर है तो वहाँ पर तो दिक्कतें हैं भौगोलिक रूप में, लेकिन आंतरिक परिक्षेत्र में जो दिक्कतें हो रही हैं उनके समाधान की पहले आवश्यकता है। सर, इसमें क्या रक्षा अध्ययन के भी कुछ लोग इसमें रक्षा अध्ययन के भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समाजशास्त्र के
यहाँ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतिहास विभाग के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। और ये खुला इसमें किसी को नहीं रोका गया, सबके विचार इसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं। सर आपने सीमाओं की बात कही तो कहीं ना कहीं आज भी भयादोहन काम करता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं किस संदर्भ में, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ कि क्या भयादोहन दो राष्ट्रों के बीच में कार्य करता है, आज भी प्रासंगिक है कि नहीं है? बस इसे भयादोहन की कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूँ, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, भयादोहन की बात नहीं है। लेकिन हमारी भौगोलिक स्थिति और हिमालय पर्वत के जो उत्तुंग शिखर है उस परिक्षेत्र में चूंकि बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ, तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है और वहाँ तापमान भी बहुत डाउन रहता है। और हम लोग तो इस साल आप देखें कि 4 डिग्री था तभी इतनी परेशानी हुई, वहाँ जो है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उसमें था जब हमारे यहाँ 4 डिग्री था। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे यहाँ जो सेना के जवान हैं अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो जो है अन्य परिक्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वे भी जवानों के ही तरीके मजबूती से अपना कार्य का निर्वहन करें, क्योंकि केवल जवानों का ही उत्तरदायित्व तो नहीं है सीमा की रक्षा करना और देश को आगे बढ़ाना, सबका दायित्व है जो जहां पर है उसी प्रकार से वो मान के करें कि हम सीमा पर लड़ रहे हैं। लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि 27 फरवरी को अपराह्न 3 बजे से अपर नगर मजिस्ट्रेट कमरा नंबर 27 से कार्मिकों की ड्यूटी वितरित की जाएगी। ये जानकारी CDO प्रभारी अधीक्षक कार्मिक अनु सिंह ने देते हुए इस निमित्त सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने विभाग के किसी भी कर्मचारी को भेजकर ड्यूटी प्राप्त करना सुनिश्चित करा लें। प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे आलोक सिंह के निर्देशन में टिकट बिक्री और आय में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर संपूर्ण एनी रेलवे पर लगातार टिकट जांच अभियान YP दुबे वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक टिकट जांच के नेतृत्व में 25 फरवरी को किया जा रहा है। टिकट जांच के अभियान 41 बिना टिकट, अनियमित टिकट वाले यात्रियों से किराया और जुर्माने के रूप में ₹12,905 रेल राजस्व की वसूली की गई है। बिना टिकट यात्रा की रोकथाम और टिकट बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन में रवि पांडे को सहायक व्यय प्रेक्षक का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये जानकारी मुख्य कोषाधिकारी NKD द्विवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि रवि पांडे के मोबाइल नंबर 7752802595 हैं। किसी प्रत्याशी को यदि कोई सूचना व्यय लेखा जोखा संबंधी चाहिए तो इनसे वो संपर्क कर सकता है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे मंडल स्तरीय खेल छात्रावास ट्रायल में मंडल की लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सोमवार को प्रशिक्षक एथलीट अशोक शाही की देखरेख में प्रशिक्षक बास्केटबॉल विवेक श्रीवास्तव, मुक्केबाजी के कोच प्रवीण यादव, जूडो के कोच कमलेश, वॉलीबॉल के कोच अमिता कुशवाहा खेल छात्रावास के लिए लड़कियों के ट्रायल लेते नजर आए। खिलाड़ियों के ट्रायल 100 मीटर दौड़, 6×10 शटल, स्टैंडिंग ब्रांड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो और 800 मीटर दौड़ मुख्य रहे, जिनमें कबड्डी एथलीट और बास्केटबॉल के ट्रायल के लिए गोरखपुर सहित कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज की लड़कियों ने हिस्सा लिया है। क्या नाम है बेटा? अमीशा सिन्हा। Ready go.
चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। नगर क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से बनाए विजयी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा विजयी होगा गोरखपुर से प्रवीण निषाद, लेकिन 2019 के कांग्रेस के साथ गठबंधन पर फिलहाल असमंजस की स्थिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी है भाजपा सरकार, सभी योजनाओं का मिलेगा लाभ। मिलावटखोरों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, खोआ मंडी में की गई छापेमारी, कई दुकानदार हुए फरार। पीठासीन अधिकारियों को लोकसभा के उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग की दी गई जानकारी। दो अलग अलग मामलों में राजघाट पुलिस के हत्थे चढ़े दो अभियुक्त, एक था लूट में शामिल, दूसरे के पास से मिला स्मैक। विजय चौराहा स्थित मिठाई की दुकान में लगी आग, लाखों के सामान जलकर हुए खाक। 4 और 5 मार्च को होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, विभागाध्यक्ष ने दी जानकारी। उपनिर्वाचन के मद्देनजर 27 से कार्मिकों को ड्यूटी होगा वितरित। पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट बिक्री और आय में बढ़ोतरी के लिए लगातार टिकट जांच अभियान है जारी। रवि पांडे संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन में सहायक व्यय प्रेक्षक का नोडल अधिकारी नियुक्त। और खेल छात्रावास ट्रायल के लिए मंडल की लड़कियों ने भी दिखाया दम। इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।